हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप ही सभी के इस यूट्यूब चैनल कलाम को सलाम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्लास 10 के लिए इंग्लिश में करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। कुछ सेंटेंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, 10 या 12 सेंटेंस हैं, उनको देखकर उनको करके आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कैसे आप करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब को आप सॉल्व करोगे, कैसे उनके आंसर को लिखने वाले हो। चलिए शुरू करते हैं, 5 या 10 मिनट की वीडियो होने वाली है, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, ऊपर लिखा फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। आपको फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली स्थानों को भरना है, उपयोग करना है, एक सही वर्ब की क्रिया का प्रयोग करना है। ये ब्रैकेट में दे रखा है, देखना है कि कैसे कौन से वर्ब की फॉर्म आएगी, फर्स्ट आएगी, सेकेंड आएगी, थर्ड आएगी, फोर्थ आएगी, ये देखना है। चलिए पहला देखते हैं, हैव यू डैश लिखा है योर वर्ब ब्रैकेट में कंप्लीट। देखो, हैव का मतलब हैव आ गया, हैज आ गया, हैड आ गया। जब भी हैज हैव हैड आते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो ये लिखा है कंप्लीट, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म होगी कंप्लीटेड। क्या होगा? कंप्लीटेड, COMPLETED, कंप्लीटेड। तो फिर से समझिए, यहाँ पर हैव लिखा है तो नियम ये होता हैज हो, हैव हो या हैड हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आता है। तो यहाँ पर कंप्लीटेड आ जाएगा, तो आपका सही हो जाएगा कंप्लीटेड, राइट। मैं इसको फिल नहीं कर रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ आपको। अगला देखिए, दे हैड ऑलरेडी डैश द ताज ब्रैकेट में सी लिखा है। देखो, फिर यहाँ पे हैड लिखा हुआ है, हैड आ गया, तो यहाँ पर सी की थर्ड फॉर्म होती है सी, सा, सीन, थर्ड फॉर्म होती है सीन। दे हैड ऑलरेडी सीन द ताज, वे उन्होंने ताज को पहले ही देख लिया था, या वे ताज को पहले ही देख चुके थे। तो पहले में क्या था? हैव आया, इसलिए थर्ड फॉर्म। दूसरे में हैड आया, इसलिए थर्ड फॉर्म। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड होती है, और सी की थर्ड फॉर्म सीन होती है, राइट। अगला देखिए, मिस्टर शर्मा डैश इन दिस हाउस सिंस 2016 ब्रैकेट में लिखा लिव, LIVE लिव। अब देखो, ये लिखा है सिंस, सिंस तो नियम होता है, अगर आपको सिंस या फोर दिया हो वाक्य के अंत में, सिंस या फोर और टाइम दिया हो, तब आपको क्या करते हैं, हैज बीन या हैव बीन के साथ वर्ब में ING लगाते हैं। फिर से समझिए, अगर आपको वाक्य के अंत में वाक्य के अंत में सिंस या फोर के साथ समय दिया हो, टाइम दिया हो, तब आप क्या करते हो, हैज बीन वर्ब में ING या फिर हैव बीन वर्ब में ING का प्रयोग करते हो। और ये आपका टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो यहाँ पर मिस्टर शर्मा के साथ क्या आएगा, हैज बीन, और लिव की लिव में ING लग जाएगा, लिविंग। तो पूरा आंसर बनेगा मिस्टर शर्मा हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2016, मिस्टर शर्मा इस घर में 2016 से रह रहे हैं, राइट। अगला देखिए, वाई डैश योर ब्रदर बीन डैश फोर टू आर, देखो वही है, इसको भी हमने ऐसे बना के दिखा दिया आपको, फोर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, या तो हैज बीन या हैव बीन आएगा। अब देखो, योर ब्रदर लिखा है तो यहाँ पर हैज आ जाएगा, वाई हैज योर ब्रदर बीन। अब वीप की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, वीपिंग। वीप की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, वीपिंग, यानी कि वीप में ING लगा के वीपिंग हो जाएगा। तो आपका आंसर बनेगा वाई हैव योर, सॉरी, योर के योर ब्रदर आपका सिंगल है, इसलिए यहाँ पर हैज आएगा, वाई हैज योर ब्रदर बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स, तुम्हारा भाई 2 घंटे से क्यों रो रहा है, तुम्हारा भाई 2 घंटे से क्यों रो रहा है, राइट। अगला देखिए, 5वां है, यू विल डैश इंग्लिश नाउ ब्रैकेट में स्पीक। विल लिखा है फ्यूचर इंडेफिनिट, जिन वाक्यों के अंत में गा गी गे आता है, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यू विल स्पीक इंग्लिश नाउ, तुम अब अंग्रेजी बोलोगे। फिर से समझिए, यू विल स्पीक इंग्लिश नाउ, स्पीक की फर्स्ट फॉर्म स्पीक ही होती है, यानी कि ये पहली फॉर्म ही लिखी हुई है, स्पीक का मतलब बोलना, विल लिखा है इसलिए फर्स्ट फॉर्म आएगी, यू विल स्पीक इंग्लिश नाउ, तुम अब अंग्रेजी बोलोगे। अगला देखिए, वैन विल न्यू टीचर डैश द क्लास वैन में, इसका अब देखो यहाँ पे भी विल लिखा हुआ है, तो विल लिखा तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, एंटर, एंटर की फर्स्ट फॉर्म एंटर ही होती है, तो वैन विल न्यू टीचर एंटर द क्लास, यानी कि नए अध्यापक कक्षा में प्रवेश कब करेंगे, नए अध्यापक कक्षा में प्रवेश कब करेंगे। तो फिर से समझिए, 5वें में विल लिखा है, 6ठे में विल लिखा है, इसलिए यहाँ पर क्या आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, हिज फ्रेंड विल बी डैश इन द रूम। अब देखो रूल क्या होता है, यदि सेंटेंस में आपको विल बी या शैल बी दिखाई देता है तो वर्ब में आप ING का प्रयोग करोगे, ये होता है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो यहाँ पर हिज फ्रेंड्स विल बी, यहाँ पर आ जाएगा स्लीपिंग इन द रूम, उसका मित्र रूम में, कक्ष में सो रहा होगा, राइट। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, स्लीपिंग। सेंटेंस नंबर 8 देखिए, लिखा है इफ यू वॉन्ट टू सक्सेस इन योर लाइफ, यदि तुम अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हो, यू विल हैव टू डैश हार्ड। अब बस आपको ध्यान रखना, ये जो टू नाम का जो वर्ड होता है, टू नाम का शब्द होता है, इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है,
मैंने आपको लिखवाया है नहीं, पर बता रहा हूँ टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क ही रहेगी। तो आंसर होएगा आपका, इफ़ यू वॉन्ट टू सक्सेस इन योर लाइफ यू विल हैव टू वर्क हार्ड, तो वर्क ही रहेगा यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ईजी है इसलिए आप में ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहा हूँ ना समझाते हुए, और ना ही आपको ज़्यादा सेंटेंस में मैं कराऊंगा। राइट, नेक्स्ट देखिए, नाइन्थ लिखा है ही डैश अ मूवी यस्टरडे। देखो यस्टरडे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यस्टरडे, यानी कि पास्ट इंडेफिनेट है, तो आपका जो भी लिखा होगा उसकी सेकंड फॉर्म होगी, तो सी की सेकंड फॉर्म सा बोल दीजिए या सो बोल दीजिए। तो यहाँ पर ही सा अ मूवी यस्टरडे, उसने कल एक मूवी देखी। टेंथ देखिए, वाई डिड यू, देखो डिड लिखा है पास्ट इंडेफिनेट, तो अब आपकी आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। पास्ट इंडेफिनेट नियम ही होता है, अगर आपके वाक्य में डिड अगर आ गया हो तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। वाई डिड यू नॉट टॉक टू हिम, तो यहाँ पर टॉक आएगा। फिर से देखिए, वाई डिड यू नॉट टॉक टू हिम, तुमने उससे बात क्यों नहीं की। इलेवन देखिए, डू यू, देखो डू प्रेजेंट इंडेफिनेट, डू प्रेजेंट इंडेफिनेट, डू यू, तो वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम विद्यालय जाते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, तो यहाँ पर गो आएगा। आखिरी सेंटेंस देखिए, हिज सिस्टर डज नॉट डैश द क्लॉथ्स वॉश। देखो यहाँ पर डज नॉट लिखा है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो हिज सिस्टर डज नॉट वॉश द क्लॉथ्स, उसकी बहन कपड़े नहीं धोती है। चलिए एक बार तस्वीर को देख लीजिए, वाई डिड यू नॉट, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट था, तो अगर आपका डिड लिखा हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो टॉक की फर्स्ट फॉर्म टॉक ही होती है, यानी कि टॉक अपने आप में फर्स्ट फॉर्म में, तो टॉक आएगी। यहाँ पे डू यू, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू यू गो टू स्कूल। हिज सिस्टर डज नॉट वॉश द क्लॉथ्स, क्योंकि डज लिखा है, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट के हिसाब से पोश आएगा। तो ये आपके 12 सेंटेंस हैं, इनको एक बार अच्छे से कर लीजिएगा, आपके जो करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वाला सेंटेंस होगा वो आप आराम से उसको करेक्ट कर दोगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।